क्यूजी ट्यूब के अजीज नाजरीन, मैं खाजी आप सबका इस्तकबाल करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो ना सिर्फ हैरत और तजस्सुस से भरी है बल्कि आपके इल्म में भी इजाफा जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखकर ही कमेंट करें, वीडियो को बगैर देखे कोई नतीजे पर ना पहुंचे, क्योंकि आज की वीडियो उस बदतरीन, पलीत और सिंपली किस्म के अमल के बारे में है जिसे लोग काले जादू के नाम से जानते हैं। ये अमल करने वाले नहायत ही बदतरीन और गिलाजत में रहते हैं और ये अमल इंसानों की जिंदगी बर्बाद करने से लेके इंसान को अपना गुलाम बनाना और वो हर नाजायज काम करने में काम आता है जो नहायत ही बुरा और गलीज होता है। आमतौर पे आप और हम जिसे जादू कहते हैं वो बस एक नजरों का धोखा होता है जिसको आप और हम जैसे लोग कुछ मेहनत के बाद कर सकते हैं, लेकिन काला जादू वो अमल है जो आप और हम जैसे लोग नहीं करते, क्योंकि इसमें मजहब की बगावत से लेकर बदफैली तक का अमल होता है। ये सीधा सीधा शैतान की पैरवी होती है। ये अमल करने वाले की चंद पहचान होती है, जैसे ये अमल करने वाला आपसे कपड़ा मांगेगा, आपकी वालदा का नाम पूछेगा, उसके बाद आपको कुछ ऐसा बताएगा जिसको सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे, जैसे कि आपके गुजरा हुआ लम्हा जो आपके साथ जुड़ा हो या फिर आपका वहां पर आने का मौका। इस अमल को करने वाले लोग अक्सर अपनी हालत को पलीत रखते हैं और निजासत में बैठे होते हैं और अपने आसपास अंधेरा रखते हैं। जी हाँ, ये अमल करने वाले लोग खुद तो पलीत होते हैं और अपने आसपास भी गलाजत को रखते हैं, बल्कि ऐसी जगह पर अमल करते हैं जहां पर बहुत अरसे से किसी इंसान का आओ गुजर ना हो। जी हाँ, ऐसी जगहों पर ही वो शैतान या फिर इबलीस नुमा जिन्नात से बात कर वो काम करवाते हैं जो इंसान और इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाला हो। इनके अमल में सर फेरिस आता है किसी को अपना गुलाम बना देना, किसी को अपने जाल में ऐसा फंसा देना कि वो आपका ही होकर रह जाए, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, हत्ता कि ये किसी को मारने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस फेले अमल को करने के लिए जो बदकारी जादू कराने वाला करता है नहायत ही बदतरीन होता है। उसे जादूगर के साथ ना सिर्फ जिंसी ताल्लुकात बनाने होते हैं बल्कि शैतान के नाम पर बलि भी देनी होती है, जो नींबू से शुरू होकर बड़े से बड़े और गलीज से गलीज जानवर तक जा सकती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब कसाब बकरा काटता है तो खंधे की हड्डी को तोड़ देता है। दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इस खंधे की हड्डी पर भी जादू होता है। ये हड्डी लेकर जाकर किसी इंसान को बर्बाद करने के काम में आती है। ना सिर्फ हड्डी से बल्कि आपने देखा होगा कुमार के कच्चे घड़े जब तक जल नहीं जाते कुमार वो घड़े नहीं बेचता। इसके पीछे यही वजह है दोस्तों कि इन कच्चे घड़ों पर भी जादू होता है। ना सिर्फ इन ही चीजों पर बल्कि तागे, दाल, चावल, मरे हुए इंसान की हड्डी और मरे हुए जानवर के गोश्त पर भी जादू होता है। हत्ता कि आपके कपड़े पर, मरी हुई खूबसूरत औरत के सर के बाल पर भी जादू किया जा सकता है। दोस्तों, ये बदफैली का अमल इतना खतरनाक है कि इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। ना सिर्फ जादू कराने वाला बल्कि जादू करने वाला और जिस पर जादू हुआ है इसमें तीनों ही तबाह हो जाते हैं। जादू जिस पर हुआ है वो तो खाक हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन जिसने जादू करवाया है वो अपने ईमान से खाली हो जाएगा और जिसने जादू किया है वो तो बिला शुबा जहन्नम की गिजा है। दोस्तों, ऐसी बदफेल अमल से खुद को बचा कर रखें। ऐसे लोग जो आपके आसपास ऐसा बदतरीन अमल करते हों उनसे भी दूर रहें और अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखें। हालांकि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान अपनी रसाई चांद तक पहुंचा चुका है और मरीख पर अपनी पहली बस्ती बसाने के लिए जा रहा है, लेकिन ये फेले बद आज भी इंसानों में आम है। इस अमल को करने वालों में ना सिर्फ मजहबी बल्कि वो लोग भी इस अमल को करते हैं जो मजहब पर यकीन ही नहीं करते। दोस्तों, इस अमल की पकड़ दुनिया में इतनी मजबूत है कि बदतरीन लोग जो शैतान का साथ देने वाले हैं वो इस अमल को ढूंढने में लगे हैं ताकि दुनिया को तबाह बर्बाद कर सके और उस लक्मे इबलीस का निवाला बना सके। दोस्तों, इससे बचने के कई सारे तरीके हैं,
इनमें सरे फहरिस्त है कि खुदा पर अंधाधुन यकीन किया जाए और अमले साले किए जाए, यानी अच्छे काम किए जाए और इबादत कसरत से की जाए। हालांकि हमारे आसपास मजहबी भाई इस चीज को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ईसाई, यहूदी और हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जो इस जादू का तोड़ करते हैं। लेकिन अगर आप पर ऐसा अमल होता है तो आप एक काम करें, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ज्यादातर ये जहनी बीमारी या फिर कोई अंदरूनी बीमारी होती है। यहाँ दोस्तों, उसके बाद अगर आपको वहां पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता तो आप उन लोगों के पास जाए जिनके पास इस चीज के ऊपर अपने अख्तियारात हैं, जो इस चीज का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो नेक लोगों का लिबादा ओढ़कर आपको ठगने बैठे हैं। ज्यादातर जादूगर ठगते ही हैं, उनको जादू के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन आपकी मासूमियत और आपकी लालच को देखकर वो आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहें और खुद को जादूगरों से 10-20 फीट दूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की नजर भी आप पर बुरा असर करती है। और उन लोगों से करीबी बनाकर रखें जो लोग आपके मजहब में इन चीजों को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि इनके पास इसका बहुत ही ज्यादा पुख्ता इलाज होता है। दोस्तों, ये जादू एक काला और शैतानी अमल है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा का भी अमल है, जो कुरान, इंजीर या तौरात, इंजीर यानी बाइबल या फिर तौरात से भी किया जा सकता है। दोस्तों, तब तक अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। मैं खाजी आप सबसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट करें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं। तब तक।